नमस्ते हिंदुस्तान, मैं हूं आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेनर एंड एक्सपोर्टर सागर अग्रावत। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, सर एक्सपोर्ट के बिजनेस में हम कॉस्ट का कैलकुलेशन कैसे करें, मतलब एक्सपोर्ट के दौरान हमें कौन से चार्जेस लगेंगे, क्या क्या चार्जेस लगेंगे। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो अक्सर लोगों के मन में होता है, अक्सर ये बिजनेस में आपको सताता है। तो आज के वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो इतने इतने चार्जेस आपको मैं बताऊंगा, वही चार्जेस आपको एक्सपोर्ट के दौरान लगने वाला है। तो देखिए, आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि आप सभी को इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार अगर सीखना है तो आप मेरे YouTube चैनल पे हर एक वीडियो डिटेल में देखिए। आपको मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपको कोई भी कंसल्टेंसी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका 20 से 25,000 कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करके कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार बिल्कुल फ्री में सीखने को मिलेगा। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी मेरे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बेसिक लेवल प्रोग्राम का पूरा एक प्रोग्राम मैंने आप सभी के लिए बनाया है जो बिल्कुल फ्री है, जो आप घर पे बैठ के भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार बिल्कुल सीख सकते हो। तो जरूर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा तो ये वीडियो लाइक करिएगा। तो देखिए, आपकी यहाँ पे स्क्रीन पे एक पूरा एक यहाँ पे मैं चार्ट दिखाऊंगा, ये चार्ट में मैंने सारी डिटेल यहाँ पे कवर करके रखी है। यहाँ पे आपको मैं बताना चाहता हूं कि एक्सपोर्ट अगर आप करते हो तो कौन से चार्जेस लगते हैं और कितने कितने चार्जेस आपको लगेंगे। देखिए, ये जो चार्ट है पूरा मैंने प्रिपेयर करके रखा है, ये आप सभी के लिए सिर्फ एक इंफॉर्मेशन के लिए है, एक्चुअल में चार्जेस अलग भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं भी खुद एक एक्सपोर्टर हूं, मैं खुद भी एक्सपोर्ट करता हूं, तो मेरे पास भी कोटेशन आते रहते हैं मुझे जब एक्सपोर्ट करना रहता है तब। तो यहाँ पे देखिए, एक आपको मैं कोटेशन दिखाता हूं जो मुझे कस्टम हाउस एजेंट से रिसीव्ड हुआ है। तो यहाँ पे हम अभी प्लान कर रहे थे कि हम दुबई में एक 20 फीट कंटेनर एक्सपोर्ट करेंगे, जिसमें हमारा गेहूं का आटा मतलब व्हीट फ्लोर एक्सपोर्ट होने जा रहा है। तो हमने CHA से यहां से कॉन्टेक्ट करके एक कोस्टिंग चार्ज, एक कोटेशन मंगवाया है। तो ये देखिए, आपको कोटेशन कैसे आपका होता है और आपको कितने कितने खर्चे लग सकते हैं अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो बाई सी दुबई में। तो अभी देखिए, यहाँ पे कंटेनर ऊपर लिखा है 1/20 फीट ड्राई नॉर्मल कंटेनर, तो कंटेनर भी यहाँ पे काफी अलग अलग प्रकार के होते हैं, 20 फीट कंटेनर, 40 फीट कंटेनर, 1 डोर ओपन कंटेनर, रीफर 20 फीट, रीफर 40 फीट। तो हर एक कंटेनर का यहाँ पे फ्रेट अलग होता है। तो हमें यहाँ पे जो यूज करना था वो 20 फीट ड्राई कंटेनर था, और पोर्ट ऑफ लोडिंग POL का मतलब है पोर्ट ऑफ लोडिंग, आप देख सकते हो साथ में JNPT पोर्ट है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो बॉम्बे में है, और पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज POD है, वो है जेबेल अली, मतलब ये दुबई का पोर्ट है। तो अभी ये सारे जो खर्चे नीचे लिखे गए हैं, ये सारे खर्चे तो आपको सेम ही लगने वाले हैं अगर आप 20 फीट ड्राई कंटेनर करो या रिफर कंटेनर करो। तो नीचे ये जो खर्चे दिए गए हैं पर्टिकुलर, तो ये पर्टिकुलर तो आपको सभी कंटेनर में सेम ही लगने वाला है। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल एक प्रैक्टिकल वे में मैं समझाना चाह रहा हूं कि आपको कौन से चार्जेस लगेंगे। तो नंबर वन है फ्रेट चार्जेस। अगर आप कोई भी आइटम एक्सपोर्ट करते हो इंडिया से, तो सबसे पहले कोटेशन में आपका एक फ्रेट चार्ज होगा। फ्रेट का चार्ज है सिर्फ ये समुन्द्र का चार्ज है, मतलब इंडियन पोर्ट से लेके आपको आने वाली जो कंट्री है जहां पे आप एक्सपोर्ट करने वाले हो उसको बोलते हैं सी फ्रेट। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एक फ्रेट लिखा गया है, ये अक्सर डॉलर में फ्रेट होता है, तो यहाँ पे हमने कन्वर्ट करके ये फ्रेट लिखा है 36,425। ये सिर्फ आपके एग्जाम्पल के लिए है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको चार्ज लगेगा, वो लगेगा फ्रेट चार्जेस मतलब सी फ्रेट। सेकंड चार्जेस जो आपका हर एक बार एक्सपोर्ट होगा उसमें लगेगा THC, इसका शॉर्ट फॉर्म है THC, फुल फॉर्म है टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस। टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस क्या होता है, तो ये देखिए, आपका जब कंटेनर पोर्ट पे पहुंचता है और पोर्ट पे जो आपका कंटेनर का हैंडलिंग करने के लिए जो चार्ज लगता है उसको बोलते हैं टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस। तो ये देखिए, 20 फीट ड्राई कंटेनर का यहाँ पे जो एक्सपेंस था वो था 15,930 रुपए। अगर कोई रिफर कंटेनर होता, कोई बड़ा कंटेनर होता, तो अप्रोक्स उसका चार्ज हो जाता 25,000। तो यहाँ पे देखिए, दूसरा चार्जेस आपका लगेगा THC। उसके बाद आपका जो चार्जेस आपको लगने वाला है वो लगने वाला है बिल ऑफ लेडिंग का चार्जेस, इसको बोलते हैं BL, राइट। तो BL इज अ वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल डॉक्यूमेंट इन इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस। तो थर्ड आपका चार्ज लगेगा BL चार्जेस।
फोर्थ यहाँ पे जो चार्ज लगेगा वो लगेगा सील चार्जेस, मतलब जो भी आपका कंटेनर है आपको शिपिंग लाइन कंटेनर के साथ आपको सील भी प्रोवाइड करेगी। अगर आपके पास सेल्फ सीलिंग का परमिशन नहीं है तो कंटेनर के साथ जो शिपिंग लाइन है आपको सील भी प्रोवाइड करेगी, तो यहाँ पे सील का चार्जेस भी आपको देना है। इसके बाद कोई भी CHA उसके हिसाब से कोई मैंडेटरी चार्जेस या एक्स्ट्रा चार्जेस ऐसे करके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस बिल्कुल एक कोटेशन में डाल देगा, तो कोई भी 200-500 रुपए का उसको जो खर्चा रहता है वो वहां से वो निकाल सकता है, ड्राइवर को देने का, चाय पाने का, ये सारा खर्चा इस तरह से इसमें होता है। सिक्स्थ यहाँ पे एजेंसी चार्जेस, मतलब जो भी आपकी एजेंसी है, जो आपके बिहाफ ऑफ आपकी कंपनी के बिहाफ ऑफ जो भी आपका कस्टम हाउस एजेंट काम करता है उसके एजेंसी का जो चार्जेस रहता है वो आपको देने हैं। उसके बाद है CFS चार्जेस। देखिए कंटेनर का क्लियरेंस दो जगह से होता है, एक ICD से मतलब इनलैंड कंटेनर डिपोर्ट से और एक होता है CFS चार्जेस से। CFS से भी उसका क्लियरेंस हो सकता है, राइट। तो दोनों के चार्जेस अकॉर्डिंगली नियर अराउंड सेम रहते हैं। इसमें आपका कस्टम क्लियरेंस का काम होता है, शिपिंग बिल फाइल करना होता है, तो ये सारी चीजें CFS में होती है जहां से आपका सील लगता है। तो वहां पे ये जो कस्टम की जो सारी प्रोसीजर होती है वो करने के लिए आपका CFS एंड ICD दोनों में से कोई एक चार्जेस आपको लगेगा। अगर आपका कोई एग्रीकल्चर आइटम है तो फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट का आपको कोटेशन में चार्जेस भी देना होगा। अगर आपका मैंडेटरी ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन 9 नंबर है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, तो ये मोस्ट प्रोबेबली सारे चीजों में लगता है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। इसका कोई ज्यादा मूल्य नहीं हो सा, 500 से लेके 1000 रुपए के बीच में सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन निकल जाता है। अगर आपका कोई 10वें नंबर पे है फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट, कोई लकड़े का आइटम है, कोई वुडन आइटम है, तो उसमें आपका फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट भी लगेगा, तो उसका भी चार्जेस आपको पे करना है। और 11th जो चार्जेस है वो लास्ट चार्जेस है ट्रांसपोर्टेशन का, मतलब आपका कंटेनर आने जाने का जो भी खर्चा है, मतलब पोर्ट से कंटेनर उठाया ट्रक वाले ने आपके वेयरहाउस पे, उसको स्टफिंग करने के लिए वो लेके आया, स्टफिंग करके वापिस वो पोर्ट पे लेके गया, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस टोटल अमाउंट नीचे लिखा है 95,150 रुपीज। तो दिस कोटेशन इज जस्ट फॉर लर्निंग पर्पज, तो ये सब आपके लर्निंग के लिए था। तो देखिए आप कोई भी आइटम इंडिया से एक्सपोर्ट करना चाहते हो बाई सी तो कौन से चार्जेस लगते हैं, ज्यादातर लोगों को कंफ्यूजन होता है जो बिगनर होते हैं, तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि देखिए बिल्कुल इतने ही चार्जेस लगते हैं। इसके अलावा थोड़े बहुत कोई चार्जेस लगेंगे तो कोई एक्स्ट्रा इतना कोई बड़ा चार्ज नहीं होगा, मोस्ट प्रोबेबली इतने ही चार्ज लगता है जो भी आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, इतनी ही आइटम आपको एक्सपोर्ट के दौरान कवर होती है आपके कोटेशन में। अगर इसको छोड़ के ज्यादा कोई कोटेशन आपको CHA देता है तो देख लीजिए आप, वो कोटेशन शायद आपका गलत भी होगा और उसको ज्यादा प्रॉफिट मिले उस तरह से उसने कोटेशन आपको शायद दिया भी होगा। तो देखिए इतने चार्जेस मैंडेटरी होते हैं। ये सारे चार्जेस जो यहाँ पे रेट मैंने जो आपको यहाँ पे दिखा है ये सारे रेट टेंटेटिव है, ये चेंज होते रहते हैं डेस्टिनेशन के बेस पे, आप कौन से पोर्ट पे लोडिंग करते हो, कौन से पोर्ट पे आप माल भेजते हो, उसमें कौन सा कंटेनर है, 20 फीट नॉर्मल कंटेनर, ड्राई कंटेनर है, रिफर कंटेनर, तो उस हिसाब से उसका रेट चेंजेस होता है। पर सभी लोगों को यहाँ पे इतने चार्जेस देने होते हैं ये तो सेम है। तो आई होप सो कि आज का ये हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, मैंने मेरी ओर से काफी मेहनत करके प्रयत्न करके आप लोगों को समझाया है कि अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो काफी लोगों का क्वेश्चन होता था कि सर कितने कितने चार्जेस एक्सपोर्ट के दौरान हमें लगेंगे, तो इतने चार्जेस आपको मेनली लगेंगे, इसको छोड़ के ज्यादा आपको कुछ चार्जेस लगने वाला नहीं है अगर आप बाई सी एक्सपोर्ट करते हो तो। तो आज का ये हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का खूब खूब धन्यवाद। ऐसे ही मिलते रहेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ज्यादा नॉलेज लेके अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।